Realme 5 इसको कैसे रूट करना है इस वीडियो में जानेंगे। सारे सॉफ्टवेयर के डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इसका बूटलोडर अनलॉक करना पड़ेगा, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, उसके अंदर सिस्टम मिलेगा उसमें जाना है, फिर अबाउट फ़ोन और उसके अंदर बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार टैप करना है। बैक करके आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, उसके अंदर आपको OEM अनलॉक और डिबगिंग मोड इन दोनों को इनेबल करना है। अब आपको अपने कंप्यूटर पे ADB फास्टबूट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा प्लेटफॉर्म टूल्स, उसके अंदर जाना है और वहां पे जाके आपको शिफ्ट की दबाए रखनी है और साथ में माउस का राइट क्लिक बटन दबाना है और ओपन पावर शेल विंडो पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह की कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुल जाएगी। या इसके बाद आपको अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है, वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाए रखना है जब तक ये फास्टबूट मोड में एंटर ना हो जाए। उसके बाद आपको जो येलो कलर में कमांड दिख रहा है वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में डाल के एंटर करना है। फिर हम चेक करेंगे फोन कनेक्ट है कि नहीं, उसके लिए आपको येलो कलर में जो कमांड दिख रहा है वो डालना है। इतना करने के बाद अब आपको TWRP को डाउनलोड करके अपने ADB फोल्डर में ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद आपको जो येलो कलर में कमांड दिख रहा है वो डालना है। इतना करने के बाद आपकी फ्लैशिंग प्रोसेस TWRP की शुरू हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाए तो रेड कलर में जो आपको कमांड दिख रहा है वो डाल के आपको इसको रिबूट कर देना है। अब हम आपके फोन को रूट करेंगे, उसके लिए magix.zip को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए अपने फोन पे और इसको रिकवरी मोड में हम बूट करेंगे। उसके लिए वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाए रखना है जब तक कि बूट एनिमेशन स्क्रीन ना दिख जाए। वहां पे आपको इंस्टॉल बटन सिलेक्ट करना है और मैजिक्स जहां पर आपने सेव करा है अपने फोन पे यहां पे जाके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपकी रूटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाए तो बैक करके रूट रिबूट कर लीजिएगा और आपका Realme 5 जो है सक्सेसफुली रूट हो चुका है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।